नगरपालिक निगम भिलाई के द्वारा बारिश पूर्व बड़े नालों तथा छोटे नालियों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। बड़े नालों की सफाई के लिए चैन माउंटेन आदि की सहायता ली जा रही है। एमजी कॉलेज के पास के बड़े नाले की सफाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। बारिश में अक्सर यहां पर जलकुंभी आदि फंसने की संभावना अधिक होती है, जिसको देखते हुए पहले से ही इसकी सफाई का काम किया जा रहा है ताकि समीपस्थ क्षेत्रों में जल भराव की समस्या ना हो। निगम क्षेत्र अंतर्गत ऐसे सभी नालों की सफाई की जाएगी जिसकी वजह से जल भराव की समस्या होती है। बारिश में नालों के मध्य से पानी का प्रवाह सुगमता से बने रहे, इसके लिए नालों की सघन सफाई कर कचरा को निकाला जा रहा है। इसी प्रकार से वार्ड एवं मोहल्लों में नालियों की सफाई मास क्लीनिंग के माध्यम से की जा रही है। देखिए माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय के निर्देश पर जो है बारिश पूर्व नालों की सफाई किया जाना है, क्योंकि बारिश के दिनों में कचरे जब जमा हो जाते हैं नालों में तो उससे जल प्रवाह अवरुद्ध होता है, जिसको लेकर निगम प्रशासन अभी से नाला सफाई करा रहा है। और कई क्षेत्र ऐसे जो है जो पिछले वर्ष और पिछले के पिछले वर्ष जो है ऐसे पॉइंट थे जहाँ पे जल भराव की समस्या होती थी, वैसे पॉइंट को भी नोट करके वहाँ पर भी अग्रिम रूप से भी सफाई करने का काम निगम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। कोशा नाला जो क्षेत्र है उसके समीपस्थ में भी जल को भी फंसने की जो शिकायतें आती थी उसको लेकर भी अभी निगम प्रशासन उसको सफाई करा रहा है। और चेन माउंटेन के माध्यम से जो सफाई कर्मचारी हैं वो सफाई में लग गए हैं और नालों की वृहद सफाई की जा रही है ताकि जो है जल भराव समस्या ना हो। इसके अलावा जो छोटी नालियां हैं उसकी भी सफाई की जा रही है। छोटे छोटे नालियों के माध्यम से जो पानी है वो बड़े नालों पहुंचती है, तो किसी के घर में जल भराव की समस्या ज़्यादा ना हो इसको देखते हुए निगम प्रशासन अलर्ट है और नालियों की सफाई की जा रही है। गौरतलब है कि महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने बारिश को देखते हुए नालों की सफाई के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसी तारतम्य में नालों की सफाई का विशेष अभियान भिलाई निगम क्षेत्र में चलाया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।